सो आज आपके लिए लेकर आ गए एक और अमेजिंग वीडियो। और आज की वीडियो में तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ बेंटन वन लास्ट टाइम की स्टोरी। अगर आपने एपिसोड हिंदी डब में देखना है तो जाकर देख सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जहाँ मैंने खुद डब करवाई है। तो जल्दी जाकर चेकआउट करो, जिसकी डबिंग कुछ इस तरह है। तुम ओमनीट्रिक्स नहीं ले सकते विलगैक्स, तुम ये जानते हो। ऐसी वॉइस में मिलने वाला है तुमको बेंटन वन लास्ट टाइम का एपिसोड का हिंदी डब। तो जाकर अभी चेकआउट कर सकते हो। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे जाकर जरूर फॉलो कर लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। और चलो बिना देरी करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो एपिसोड स्टार्ट होता है एक अच्छे खासे इंट्रो के साथ। बाकी में इंट्रो बहुत बढ़िया बनाया है। फिर हम देखते हैं कि एक टेबल पर 10 साल के बैन की फोटो है। फिर उसके बाद हमें दिखाई जाती है 16 साल के बैन की फोटो, जो कि एक दीवार पर लगी पड़ी है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमें 21 साल का बैन दिखाया जाता है। देखो ऐसा मुझे इसकी पता नहीं है, लेकिन मैं अंदाजा लगा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि 21 साल का बैन अपने ओमनीट्रिक्स की तरफ देखता रहता है। तभी उसमें से एक इलेक्ट्रिसिटी होती है, जहाँ बैन को दर्द होता है। फिर उसमें से ओमनीट्रिक्स का सिंबल बाहर आ जाता है और बैन उसे क्लिक करता है। जैसे वो उसे दबाता है, तो तभी उसमें से कुछ रोशनी बाहर निकलती है। और फिर कहानी चली जाती है 16-17 साल के बैन पर, जहाँ हम देखते हैं कि वह 16-17 साल का बैन बिलगेक्स से फाइट कर रहा है। मतलब कि सामने बिलगेक्स से बैन है, और हम पीछे देखते हैं कि उसके पीछे ग्वेन, केविन और ग्रैंडपा मैक्स भी है। अगर आप ग्रैंडपा मैक्स को ध्यान से देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ग्रैंडपा मैक्स का हाथ कटा हुआ है। तो तभी हम देखते हैं कि बिलगेक्स के पास भी एक हथियार है, जिस पर ओमनीट्रिक्स का सिंबल बना हुआ है। और वह हथियार से शायद उसने ग्रैंडपा मैक्स का हाथ को कट किया हुआ है। तो तभी इनमें बातें होती हैं, और फिर बैन ट्रांसफॉर्म हो जाता है केविन में, जो कि एक कान खजूरा की तरह दिखता है। वह पहले उससे फाइट करता है, फिर वह फाइट करते करते चेंज हो जाता है कैनन बोल्ट में। कैनन बोल्ट के अटैक के बाद फिर वह चेंज होता है फोरआर्म्स में। और फिर फोरआर्म्स में चेंज होने के बाद उसके हाथ में लगे हुए हथियार को हटा लेता है। लेकिन आपको ध्यान से देखना, वो हथियार उसके ओमनीट्रिक्स में कुछ इलेक्ट्रिसिटी भेजता है, जिसकी वजह से शायद उसके ओमनीट्रिक्स में गड़बड़ी आ गई है। उसके बाद वो स्टोरी की कहानी एंड हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि मतलब कि हमें दिखाया जाता है स्वयंफार, जो एक बुरी हालत में है। और फिर हम देखते हैं कि स्वयंफार बैन में चेंज होता है और बैन लेट जाता है। और फिर हम देखते हैं कि उसका ओमनीट्रिक्स में लाइट चल रही है, और वो सेम लाइट उसी हथियार में चल रही है, वो जो हथियार दिखाया जाता है। मतलब कि इस मूवी की या इस वीडियो की यही कहानी थी। अगर इसकी हिंदी डब वीडियो देखनी है तो जाकर अभी चेकआउट करो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जल्दी जाकर देख लो, वहाँ पे तुम्हें इसकी डब के साथ हैगी। तो जल्दी जाओ। और हाँ, ऐसी स्टोरी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और चलो मैं कह देता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।